नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पैसे अब तक की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होना होगा। सीबीआई ने अपने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें तलब किए जाने पर अंतिम रोक लगाए जाने के बाद सीबीआई ने अपना फैसला वापस ले लिया। ऐसे में उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई तक उन्हें बुलाना स्थगित किया गया है। कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% के पार। देश के अन्य राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट का आंकड़ा 10% के पार हो गया है। कोलकाता में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 13% और कलिम्पोंग और दार्जिलिंग में क्रमशः 12.5 और 10.1% रहा है। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना की स्थिति और गर्मी की स्थिति पर चर्चा की। राज्य में मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है। आइए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा यह कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए, अदालत और संसद इस पर फैसला करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।